फिलहाल देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कितने लोग हैं, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी फिलहाल में जो वहाँ पे लाइट जल रही थी देखिए, वो अभी बंद हो चुका है। तो फ्रेंड्स फाउंटेन शो चालू हो चुका है, आप लोग देखिए और इंजॉय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम और हमारे फ्रेंड और इसका एक छोटा भाई है, वो लोग जा रहे हैं इमामबाड़ा। अच्छा ठीक है, और भूल भुलैया और क्लॉक टावर सभी चीज़ें घूमेंगे। तो अभी फ्रेंड्स हम लोग हॉस्टल से अपने निकल चुके हैं, देखिए यही आ रहा है छोटा सा बच्चा, यही है मेरे रूम पार्टनर का भाई, ये छुट्टियों में अपने घर पे से आया है यहाँ पे घूमने के लिए, क्योंकि गांव के इसके सभी दोस्त कहीं ना कहीं चले गए हैं घूमने के लिए। तो ये छोटा सा भाई उसका वो आ गया है लखनऊ घूमने के लिए, तो इसी को ले जा रहे हैं घुमाने के लिए। हम लोग तो काफ़ी बार गए हुए हैं इमामबाड़ा, क्लॉक टावर और भूल भुलैया, तो इसको भी घुमा देते हैं। अभी काफ़ी जगहों पे इसको लखनऊ में घुमाना है, तो साथ में ही आप लोगों को हर चीज़ दोबारा से देखने को मिलेगी। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग ई रिक्शा में बैठने जा रहे हैं, ठीक, और चलते हैं फटाफट क्योंकि लेट हो रहा है काफ़ी। आते आते क्या पता कितना शाम हो गया, हम लोग आए थे भूल भुलैया घूमने और छोटा ही इमामबाड़ा, लेकिन टाइम ख़त्म हो गया। तो अभी हम आ गए क्लॉक टावर, देखिए ये घंटाघर के पास है, हम यहीं पे आ गए घूमने के लिए। और सोचे कि जब भूल भुलैया नहीं घूम पाए तो चलिए क्लॉक टावर घुमा देते हैं, देखिए। और चलिए चेक कराते हैं आपको यहाँ पर कितनी भीड़ है, लोग यहाँ पर कितने हैं, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कितनी भीड़ है। ऐसे में जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, शाम के वक्त कितनी भीड़ यहाँ पे रहती है क्या बताया जाए। ये देखिए कितना भीड़ है यहाँ पे, यहाँ पे औरतें बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग आते हैं, देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। और ये देखिए ये है क्लॉक टावर, ठीक, यहाँ पे सामान वामान बेचने वाले, खाने पीने का हर चीज़ यहाँ पे मिल जाता है, जैसे पानी पूड़ी वाला है। और ये देखिए यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा वो रहा भूल भुलैया, ठीक। तो फ्रेंड जब हम यहाँ पे आए तो थोड़ा शाम ही था, तो मन ऐसा हो गया था कि हम वीडियो शूट करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन जब सोचे कि इतने दूर से आए हैं तो कुछ वीडियो बना लिया जाए, इसीलिए जो अभी है यहाँ पे आके आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, अभी रात होगा तो और भीड़ रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे सभी लाइट्स वाइट चलने लगती है, ठीक। और अभी तो फिलहाल हम यहाँ टहल रहे हैं और हमारा फ्रेंड वहाँ पर बैठा हुआ है, तो अभी हम घूम घूम के वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि हमने वादा किया था आप लोगों से कि अब डेली ब्लॉग देखने को आप लोगों को मिलेगा। फिलहाल देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कितने लोग हैं, सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हम सोचे कि ये चालू हो चुका होगा, अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुआ है, देखिए ये यहाँ पे कितने लोग हैं, सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे 7:30 बजे ये फाउंटेन शो चलता है, जो कि सभी लोग बैठे हैं यहाँ पे उसी को देखने के लिए,
क्योंकि यहाँ काफ़ी अच्छा लगता है जब ये फाउंटेन शो चलता है। तो अभी ये चालू होगा तो हम आपको दिखाएंगे, आप लोग कहीं जाइए नहीं। तो फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल में जो वहाँ पे लाइट जल रही थी देखिए, तो वो अभी बंद हो चुका है, तो इसका मतलब अब फाउंटेन शो चालू होने वाला है। दिल थाम के बैठिए, काफ़ी अच्छा लगता है, देख के आपको भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स फाउंटेन शो चालू हो चुका है, आप लोग देखिए और इन्जॉय करिए, काफ़ी आप लोगों को अच्छा लगेगा क्योंकि तरह तरह के यहाँ पे पिक्चर्स और इमेजेस फाउंटेन में चलते हैं। तो आप लोग देखिए और इन्जॉय करिए। तो फ्रेंड्स अभी 10 मिनट का करीब शो ख़त्म हो गया है, काफ़ी अच्छा लगा। और देखिए सभी लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, ठीक है देख लीजिए। तो दोस्तों अभी फाउंटेन शो ख़त्म हो गया, सभी लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। 10 मिनट का फाउंटेन शो चल रहा था, काफ़ी मज़ा आया, तो एक्सपीरियंस तो काफ़ी लाजवाब था, क्या बताया आप लोगों को। देखिए आप लोग, हम तो रिकमेंड करेंगे एक बार आए और काफ़ी इन्जॉय आप लोग करेंगे। देखिए ये सभी लोग इन्जॉय किए, ये भी काफ़ी इन्जॉय किया है, काफ़ी मज़ा आया है।